आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज भक्तमाल के द्वारा वर्णन की गई भगवान श्री हरि के ध्रुव को बल देने वाली 19वें अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। भक्तजनों, आप सब ध्यान से इस कथा को सुने। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या दरुणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवान् भागं, पाणो महासायितचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। ॐ गं गणपतये नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, हम आज भगवान के 19वें अवतार श्री हरि की कथा को श्रवण करेंगे, जो अवतार भगवान ने श्री ध्रुव जी महाराज को वरदान देने के लिए धारण किया था। ध्रुव जी को हम सभी जानते हैं। ध्रुव जैसे बालक आज तक इस संसार में फिर से नहीं हुए हैं। ध्रुव और प्रह्लाद दो ऐसे हमारे पुरुष महापुरुष संत हो गए हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। हम उनमें से आज ध्रुव जी की कथा को सुनेंगे और आप सब लोग इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। बोल साचे दरबार की जय। भक्तजनों, सबसे पहले विष्णु जी हुए, विष्णु जी से फिर ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा हुए, और मनु शत्रुपा के घर में 5 संतान हुई। उनमें से उनके 2 पुत्र हुए, जिनका बड़े पुत्र का नाम प्रिव्रत, छोटे पुत्र का नाम उत्तानुपात, और उनकी 3 पुत्रियां आकुति, जिनकी कथा हम पहले सुन चुके हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये उनकी 3 कन्या हुई। उनमें से जो प्रिव्रत जी थे, वे भगवान की तपस्या करने के लिए वन में चले गए। फिर महाराज मनु ने उत्तानुपात जी को महाराजा घोषित कर दिया, यानी महाराज उत्तानुपात इस भारतवर्ष के राजा हुए। वे बड़े कुशल शासक थे, भक्त वत्सल यानी भगवान से प्रेम करने वाले थे, अपने प्रजाजनों का ध्यान रखते थे। भक्त वत्सल भगवान के वे सेवक थे, यानी कि पुजारी थे भगवान विष्णु के। बड़े धर्मपूर्वक न्यायोचित ढंग से वे राज्य चला रहे थे। कुछ समय बाद उनका विवाह एक सुंदर कन्या जिसका नाम था सुनीति, उनके साथ हो गया। माता सुनीति के घर में आने से उस राज्य में बड़ी सुख शांति छा गई। सब काम बड़े अच्छे प्रकार से होने लगे। महाराज हर खुशी बात के लिए माता सुनीति से विचार विमर्श करते थे। उन्हीं के अनुसार वे सबका न्याय करते थे, प्रजाजनों का, क्योंकि उनका जैसा नाम है वैसा ही उनका गुण है। सुनीति, उनकी नीति बहुत अच्छी थी, इसीलिए उनका नाम सुनीति था। अब इसी प्रकार से राज्य का काम बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था। प्रजाजन बड़े सुखी थे। चारों तरफ महाराज उत्तानुपात और महारानी सुनीति की बड़ाई चर्चा होती थी कि भगवान करे कि ऐसे ही राजा और रानी हों। परंतु बहुत समय बीत गया, उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। इससे प्रजाजन दुखी होने लगे।
महारानी सुनीति भी प्रजाजनों की बातें सुनकर दुखी रहने लगी। महाराज उत्तानुपात उन्हें बहुत समझाते थे, परंतु वंश परंपरा आगे न बढ़ने के कारण माता सुनीति सोचने लगी कि महाराज उत्तानुपात के बाद इस राज्य को कौन चलाएगा। वंश की वृद्धि होनी चाहिए, कोई वंश को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। कुछ समय तक उन्होंने इंतजार किया, परंतु जब उनके घर में संतान नहीं हुई तब माता सुनीति ने अपने पति देव उत्तानुपात से बड़ा आग्रह किया कि वह दूसरा विवाह कर ले। महाराज ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु माता सुनीति ने नहीं माना। उन्होंने कहा, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, आपको मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, जो भी मुझे कष्ट होगा मैं उसे सह लूंगी। क्योंकि महाराज ने कहा, हे देवी, दूसरी शादी करने से तुमको बहुत कष्ट होगा, पता नहीं वो तुम्हारी दूसरी सौत कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी। हमने सुना है कि सौत तो आटे की भी अच्छी नहीं होती, इसलिए सौत तो सौत ही होती है, आप मेरा कहना मान लीजिए। परंतु माता सुनीति ने महाराज की बात नहीं मानी, अंत में हार कर तो महाराज उत्तानुपात ने एक सुरुचि नाम की कन्या से विवाह कर लिया। सुरुचि राजमहल में आई, महारानी सुनीति बड़ी प्रसन्न हुई, प्रजाजन भी बड़े प्रसन्न हुए। उनको देखकर वह देखने में बड़ी सुंदर थी, उनकी वाणी भी बड़ी अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे उनका जो स्वभाव था वो बड़ा विचित्र था, उससे सब लोग बड़े परेशान होने लगे। सुनीति और सुरुचि, सुनीति का मतलब है अच्छे विचार, अच्छी नीति, अच्छे प्रकार से सब काम को करना, सबको अच्छी शिक्षा देना। सुरुचि का मतलब है अपनी रुचि के अनुसार चलना, दूसरे की भावनाओं की कोई कद्र नहीं, दूसरे की कोई पीड़ा या कुछ भी कष्ट हो उसको नहीं जानना, जैसा अपने को अच्छा लगे जब मन में आए भोजन कर लो, जब मन में आए सो जाओ, जैसा मन करे, यानी सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार अपने मन के अनुसार चलना, ऐसी वह रानी थी। अब सब लोग उनके व्यवहार से बड़े दुखी हो गए। माता सुनीति तो उसको बिल्कुल भी नहीं भाती थी। उन्होंने एक दिन महाराज से कहकर माता सुनीति को एक वन में भिजवा दिया। महाराज बड़े दुखी हुए, परंतु क्या करते, उन्होंने महारानी सुनीति के लिए वन में एक सुंदर सी कुटिया बना दी और महारानी सुनीति अब वहीं निवास करने लगी। महारानी सुनीति ने कहा, हे राजन, आप मेरी तरफ से बिल्कुल भी चिंतित मत होइएगा, मैं साधु संतों की यहाँ वन में रहकर सेवा करूँगी, गायों की सेवा करूँगी, सत्संग भजन करूँगी, जिससे पूरे राज्य का और कल्याण होगा, साथ में हमारा भी कल्याण होगा। परंतु महाराज ने बड़े दुखी मन से रानी को वन में छोड़ दिया। परंतु समय समय पर महाराज उनकी देखभाल के लिए जाया करते थे। एक समय जब महाराज वहाँ गए रानी को देखने के लिए, रात्रि में वहीं रुक गए, रात्रि विश्राम हुआ और भगवान की कृपा से महाराज अपने महल में आ गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9 महीने बाद माता सुनीति ने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ऋषि मुनियों ने उस बालक का नाम रखा ध्रुव। बोल श्री ध्रुव जी महाराज की जय। अब ध्रुव धीरे धीरे बड़े होने लगे। माता सुनीति ने उनमें संस्कार, अच्छे संस्कार भर दिए। बालक ध्रुव संतों की सेवा करते थे, गायों की सेवा करते थे। अब वो थोड़े बड़े हो गए। एक दिन अपने माता से पूछने लगे, माता जी, हमारे पिताजी कहाँ रहते हैं, उनका क्या नाम है। जब बालक ध्रुव ने ज़्यादा ही जिद की तो उन्होंने बताया कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता श्री उत्तानुपात महाराज जी हैं। बालक ध्रुव
को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहते थे और राजमहल में पहुंच गए। जब वहां राजमहल में पहुंचे, जब सब लोगों को पता चला कि ये छोटे राजकुमार हैं, महारानी सुनीति के सुपुत्र हैं, सब ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और महाराज तक उनको पहुंचा दिया। जब वह राज्यसभा में जा पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि महाराज उन उत्तानुपात एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। साथ में उनकी जो वै माता है यानी सौतेली माता है सुरुचि, वो बैठी हुई है महाराज के गोद में। उत्तम महारानी सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था उत्तम। उत्तम उनके छोटे भैया बैठे हुए हैं। जैसे ही ध्रुव जी ने महाराज की गोद में बैठने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो माता सुनीति ने उनको झटक के कहा, तुम राजा के गोद में बैठने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। पहले तुम भगवान की तपस्या करो, फिर उनसे वरदान प्राप्त करो, फिर मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम महाराज की गोद के अधिकारी बनोगे। जब रानी ने इतनी बातें कही तो उत्तानुपात ने कुछ भी नहीं बोला और ध्रुव जी को अपनी गोद में भी नहीं बिठाया। यह देखकर ध्रुव को बड़ा कष्ट हुआ। वह रोते रोते अपनी माता के पास आ गए। माता ने उनको उठाकर अपनी गोद में बिठाया और उनको बड़े लाड़ प्यार से समझाया। माता ने कहा, हे पुत्र, तुम एक छोटे से सिंहासन पर तुम्हारे पिताश्री बैठे हुए हैं, उनकी गोद में बैठना चाहते हो। ये तो छोटी सी गोद है, तुम उस परम पिता परमात्मा जो सबका पिता है, जिसकी गोद में बैठकर मनुष्य को फिर कभी नहीं उतरना होता है, वो भगवान की गोद में जाकर के बैठो। ध्रुव को अपनी माता की यह बात बड़ी अच्छी लगी अपनी माँ की, और वे अपना माँ का आशीर्वाद लेकर माँ के चरणों में प्रणाम करके भगवान को खोजने के लिए निकल पड़े। जब वो घर से निकले तो वो चलते चलते बहुत दूर तक चले गए। भगवान ने देखा कि छोटा सा मेरा भक्त मुझे ढूंढने के लिए आ रहा है। तब उन्होंने नारद जी को प्रेरणा दी और नारद जी रास्ते में आकर ध्रुव जी से मिले। बोल श्री नारद जी महाराज की जय। नारद जी ने ध्रुव से पूछा, हे ध्रुव, आप कहाँ जा रहे हो? इतनी छोटी सी अवस्था में आपको तो अपनी माता के साथ रहना चाहिए, अभी तो आपकी छोटी सी उम्र है। ध्रुव जी ने बोला कि आप कौन हैं? मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, भगवान मुझे कहाँ प्राप्त होंगे? नारद जी ने कहा, अरे अरे ध्रुव, तुम क्या बोलते हो? यहाँ तो जंगल में बहुत जंगली जानवर होते हैं और चोर भी होते हैं, लुटेरे भी होते हैं, बारिश भी आती है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, बहुत तेज हवा चलती है, तुम्हारी इतनी छोटी सी उम्र है, तुमको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तुम कैसे भगवान को प्राप्त करोगे? बालक ध्रुव, तुम अभी ये लो, मैं तुमको अच्छे अच्छे खिलौने देता हूँ, तुम्हारी तो अभी खेलने की उम्र है खिलौनों के साथ, तुम खिलौनों से खेलना और अपनी माँ के साथ रहो, जब बड़े हो जाओगे तब भगवान के बारे में सोचना। ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भगवान को प्राप्त करके ही रहूँगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान के सिवा। नारद जी ने उनकी परीक्षा ली, ध्रुव जी परीक्षा में पास हो गए। तब उन्होंने कहा, हे ध्रुव, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। हे पुत्र, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, तुम इस मंत्र का जप करना, और जब तुम्हारा यह मंत्र तुम जपते रहोगे तो एक न एक दिन भगवान अवश्य तुम्हारे पास आ जाएंगे
और तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम एक जगह पर बैठकर भगवान के इसी मंत्र का जप करना। श्री नारद जी ने उनको एक मंत्र दे दिया। उस मंत्र का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र नारद जी ने उनको दे दिया और ध्रुव जी से कहा कि तुम मधुबन में जाकर एक शिला के ऊपर बैठ करके इस मंत्र को जपते रहना। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए। मधुबन जिसको कहते हैं आज जहाँ मथुरा कहते हैं, जिसको मथुरा के समीप ध्रुव जी एक जगह आज कहते हैं, उस जगह का नाम ध्रुव टीला के नाम से वह प्रसिद्ध है। जो लोग मथुरा गए होंगे उनको मालूम होगा। वहीं पर बैठकर ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या की। पहले महीने उन्होंने फल खाए, दूसरे महीने जल पिया, फिर इसी प्रकार से वो तपस्या करते रहे। अंत में उन्होंने जल वायु फल सब कुछ छोड़ दिया। अंत में उन्होंने सांस लेना भी, अपनी सांस को भी रोक करके तपस्या करने लगे भगवान की। 6 महीने तक उन्होंने कठोर तपस्या की। 6ठे महीने में भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और आकर के भगवान ने उनको दर्शन दिए। भगवान ध्रुव भगवान की बड़ी तपस्या कर रहे थे। जब भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए, ध्रुव जी को पता ही नहीं चला कि वो भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हुए तपस्या कर रहे थे। भगवान ने उनके मन मंदिर में से अपनी उस मूर्ति को जब हटा दिया, तब ध्रुव जी एकदम व्याकुल होकर की आंखें खोली, देखा सामने भगवान खड़े हैं। ध्रुव हाथ जोड़ करके भगवान जी की तरफ देखते हैं और भगवान ध्रुव जी की तरफ देखते हैं। ध्रुव कुछ बोलना चाहते हैं परंतु वो छोटे से बालक थे, उनको कुछ बोलना नहीं आया। तब भगवान ने अपना शंख उनकी गाल पर छुआ दिया और वो भगवान की स्तुति गाने लगे और ध्रुव जी को भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया और उनको बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, हे ध्रुव, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होंगी। तुम और मुझसे वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, जब आपके दर्शन हो गए, पहले मेरे मन में जो भी कामना थी अब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं रही। अब आप मुझे अपनी भक्ति ही दे दीजिए। तब भगवान ने कहा, ध्रुव, जब तक तुम बहुत समय तक इस पृथ्वी का राज्य करो, इस पृथ्वी का पालन करो, अंत समय तुम मेरे समीप ही आकर निवास करोगे, उसका नाम होगा ध्रुव लोक और वह अटल रहेगा। तुम्हारा जो लोक है वह अटल रहेगा। इस प्रकार से ध्रुव जी की कथा को हमने आज सुना है और आप सबने भी सुना होगा। इस प्रकार से भगवान ने जो हरि अवतार लिया था वो ध्रुव के लिए ही लिया था। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।